ठीक। नमस्कार, स्वराज सेहत की हमारी खास पेशकश ठंड में ब्रेन स्ट्रोक से बचे, खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बुशरा, और आज जानेंगे कि किस तरीके से ठंड में ब्रेन स्ट्रोक से बचने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सर्दी बढ़ने के साथ ही ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, जिसमें स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि ठंड बढ़ते ही दिमाग के मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगता है। अगर कोई पहले से ही किसी कार्डियक या फिर ब्रेन की बीमारी से पीड़ित है तो उसे विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। आईएसए की रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर साल 1.8 मिलियन लोग ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। खास बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रोक की अनुमानित दर प्रति 1 लाख व्यक्तियों में 84 से 262 के बीच और शहरी क्षेत्रों में 334 से 424 के बीच हो गई है। 1982 से 2004 तक ब्रेन स्ट्रोक से मरने वालों की संख्या में 7.8% का इजाफा हुआ है, यानी खतरा लगातार बढ़ रहा है। और पिछले 1.5 दशक यानी 20 सालों की अगर बात कर ली जाए तो ब्रेन स्ट्रोक केस में 17.5% की बढ़ोतरी हुई है, जो काफी चिंताजनक है। इसमें 10% से 15% ब्रेन स्ट्रोक 40 साल से कम उम्र के लोगों को हुआ है। और आज यही हमारी खास पेशकश में जानेंगे कि क्यों, ऐसी कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुदीप पाठक जी हमारे साथ लाइव स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं आरकेजीएफ में। बहुत स्वागत है आपका सुदीप पाठक जी। नमस्ते बुशरा जी। सुदीप जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ठंड में इसका खतरा आखिर क्या वजह है जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक के जो मामले हैं वो क्यों बढ़ जाते हैं? ऐसा होता है, ये मौसम में कुछ बदलाव होते हैं। जैसे ठंड होती है तो उस समय हमारी जो धमनियां हैं, जो आर्टरीज है, खून की नसें हैं, उसमें थोड़ा सा सिकुड़न बढ़ जाती है सामान्य के कंपैरिजन में। इसी प्रकार से ठंड के मौसम में ये स्टडी में पाया गया है कि लोगों का ब्लड प्रेशर भी, रक्तचाप भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसके साथ ही थोड़े से जो खून के क्लॉटिंग के फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्ट्रोक के लिए या ब्रेन हेमरेज के लिए, तो उसमें भी कुछ बदलाव ऐसे आते हैं जिसके कारण बेसिक जो मूल दो तीन चीज़ें डिफरेंट होती है, एक ब्लड प्रेशर बढ़ना, दूसरी जो खून की धमनियां हैं उसमें सिकुड़न आना, वैसो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं जिसको, और उसकी वजह से खून थोड़ा सा, उसका बहाव स्लो हो जाता है, खून थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। ये सारे कारण जो होते हैं, एक आइडियल सर्कमस्टेंसेस होती है, चाहे वो ब्रेन का स्ट्रोक हो, चाहे जिसको हम इन्फार्क्शन और हेमरेज बोलते हैं, या इवन हार्ट अटैक। आपने देखा होगा कि सर्दियों में सुबह के समय लोगों को ज़्यादा होता है, जैसे आजकल जो ठंड होती है, तो ये जो बदलाव हमारे शरीर में होते हैं उसके कारण लोगों को रक्तचाप बढ़ता है, उनकी खून की नसें फट सकती है या उनको इन्फार्क्शन हो सकता है, और इसके अंदर भी पीछे उनके हॉर्मोन्स में कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें होती है, जो कि सामान्य तौर पर दूसरे मौसम में नहीं होती है। जी डॉक्टर सुदीप, जैसा कि आपने बहुत अच्छे से इस बात को समझाया कि सर्दियों में क्यों उसका खतरा बढ़ जाता है, जानकारी हमें यही है कि ये जो ब्रेन स्ट्रोक की समस्या है वो अचानक ही होती है, यानी मरीज को ठीक करने में या उसे समझ पाने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी अटैक करने वाला चीज़ है। तो ऐसे में कौन कौन से ऐसे एहतियात हमें बरतने चाहिए जिनकी वजह से इस खतरे से दूर रहा जा सकता है? बिल्कुल बुशरा, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ठंड के मौसम में जो हमारे खून में, रक्त के बहाव में, नसों की सिकुड़न में और जो खून गाढ़ा होता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो इसके बचाव के लिए सबसे मुख्य बात है कि बहुत एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में, पर्टिकुलरली जो लोग थोड़े से एल्डरली लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, जिन लोगों को पहले से ब्लड प्रेशर की शिकायत रही है, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई रहा है, इनको एहतियात बरतना चाहिए कि बहुत ठंड होए तो वो हमेशा बंद कमरे में हीटर चला के उन लोगों को रखा जाए, जब तक कि सुबह का मौसम एक बार 7-8 बजे जब धूप निकल आए तब तक के लिए। उन लोगों को बहुत हैवी डाइट नॉर्मली नहीं लेनी चाहिए, लाइट डाइट लेना चाहिए, रेड मीट नहीं लेना चाहिए, और हाइड्रेशन उनको नॉर्मल अपना रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड नहीं रहना चाहिए, और रेगुलरली चेकअप करा के अपना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल देखना चाहिए कि नॉर्मल रहे, और ठंड से बचने के लिए हीटर रूम में चला के रखे
ताकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड का समय होता है, जैसे आपने देखा होगा आज सुबह के समय भी बहुत ज़्यादा ठंड थी, कल का भी दिन बहुत ठंड था। तो ये आइडियल सर्कमस्टेंसेज जो होते हैं जिनमें स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, उससे उनको बचाव करें, इस समय दौरान बचाव करें, बहुत एक्सट्रीम जो कोल्ड है, ठंड है, उस वेदर से बचाव करें, हीटर चलाए, कंबल ओढ़े, और जब जैसे धूप निकलती है फिर थोड़ा बहुत हल्का लाइट उनको धूप में एक्सरसाइज करना चाहिए रेगुलरली। तो ये सब चीज़ें करने से एहतियात बरत के वो अवॉइड कर सकते हैं गेटिंग एनी स्ट्रोक हुआ, या इवन हार्ट के अटैक्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। जी, और साथ ही डॉक्टर सुदीप जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक शोध में ये माना गया है कि ब्रेन स्ट्रोक की जो समस्या है वो अचानक से नहीं होते, ऐसे बहुत सारे केसेस शोध में पाए गए हैं जहां पर पहले से ही इसकी कहीं ना कहीं सिम्टम्स मिलने लग जाते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? डेफिनेटली कई बार ऐसा होता है कि कुछ तरह से ये आपको कुछ इंडिकेशंस देते हैं। आप जैसे शोध की बात कर रहे हैं, तो रिसेंटली में एक 2019 में स्टडी करी गई थी इसी के ऊपर, कि मतलब ठंड के कंपैरिजन में बाकी अदरवाइज वेदर में लोगों को कितना ज़्यादा स्ट्रोक बढ़ जाता है। तो उस स्टडी में पाया गया था कि 112 लोगों के ऊपर स्टडी किया था ये यूएसए में, शिकागो में। तो 112 लोगों में से 76% जो पेशेंट है, जिन लोगों को स्ट्रोक हुआ है, उन लोगों का टेम्परेचर, आसपास सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है 11 डिग्री टेम्परेचर से सेंटीग्रेड से कम था। तो वो दैट प्रेसिपिटेटेड हाई ब्लड प्रेशर होता है, और आपके वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है जो मैंने आपको जैसे बताया है, हमारे खून के अंदर के कुछ बदलाव होते हैं जिसमें एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, रेनिन, ये सब चीज़ बढ़ जाती है। तो इसमें लोगों को जो अंदेशा हो सकता है। क्योंकि इस कार्यक्रम में हम कुछ कॉलर्स जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनके सवालों के भी जवाब लेंगे। जावेद जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपके। जावेद जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैम, जावेद जी बहुत स्वागत है आपका, कहाँ से हैं आप? मैं भोपाल से हूँ, करोल। जी जावेद जी, सवाल पूछिए अपना। मैम जैसे मैं वर्किंग पे रहता हूँ, तो क्या मतलब क्या करना चाहिए मुझे अभी ऐसे मौसम के लिए? जावेद जी, एक सबसे बेसिक चीज़ है, अगर आपकी वर्किंग में बहुत लेट नाइट या बहुत अर्ली मॉर्निंग का समय जी, है, अर्ली मॉर्निंग और अर्ली नाइट दोनों ही हो जाता है दोनों ही हैं, तो उस जी। समय आपको अच्छे से गर्म कपड़े, कम से कम 2-3 वुलन पहन के रखना चाहिए हमेशा। ठीक कुछ है, तरह से अपने आसपास कोई हीटर होना चाहिए, या फिर उसी का कोई ऑल्टरनेटिव आपके पास होना चाहिए। बहुत एक्सट्रीम जो ठंड होती है, 11 डिग्री, 12-13 डिग्री से टेम्परेचर कम हो रहा है, अपने आप को गर्म रखिएगा। अगर आपका कभी रहा है, ऐसे हिस्ट्री रही है, या आपके परिवार में किसी को रहा है, ब्लड प्रेशर की शिकायत रही है, या किसी को हार्ट की समस्या रही है, तो एक बार आपका बेसिक ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल चेक करा लीजिएगा। और इसके पहले जैसे मैडम पूछ रही थी कि किस तरह से अंदेशा हो सकता है उसमें आपको कोई भी हिस्से का, एक शरीर के हिस्से में आपको कमज़ोरी आ सकती है, कुछ नमनेस हो सकती है, झुनझुनी आ सकती है, चेहरे में कुछ कमज़ोरी आ सकती है, बोलने में कुछ समस्या हो सकती है, उल्टी या नौजिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, आने के बाद जाके ठीक भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे आपने पूछा कि कैसे कोई भी पेशेंट है, कोई भी व्यक्ति है, वो ये सस्पेक्ट कर सके कि ये इस प्रकार की कोई चीज़ होने को जा सकती है शायद उसको, सो दैट वो किसी डॉक्टर को दिखाए और उसके बारे में कुछ निवारण करे और किसी से बचाव करे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि सुदीप जी लगातार हम बातचीत कर रहे थे कि पहले से इसके सिम्टम्स किस तरीके से देखने को मिलते हैं और एहतियात इसको लेकर के क्या बरते जा सकते हैं। सुदीप जी, एहतियात बुशरा, जैसे मैंने आपको बताया है, सबसे मुख्य चीज़ है जी जहाँ। माफ कीजिए, मैं आपको फिर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। करिश्मा जी, बहुत स्वागत आपका। जी करिश्मा जी, आपका सवाल। मेरा सवाल ये है डॉक्टर सुधीर से कि जो ब्रेन स्ट्रोक है आजकल बहुत देखा गया है कि बढ़ रहा है, इसके क्या रीजन होता है, जो इसको मतलब क्या कारण होता है इसके बढ़ने के या होने के, तो मैं जानना चाहती हूँ आपके डॉक्टर से कि कैसे सावधानी रखें, कब हो जाए, कैसे बचें इससे। देखिए मैडम, बेसिक रीजन जो है बढ़ने के, वो तो हमारी डाइट और लाइफस्टाइल जो कि रेगुलर नहीं है, अनियंत्रित है, वो इसका बेसिक कारण है। लोगों का खाने में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना,
खाने में तेल की मात्रा, घी की मात्रा ज़्यादा होना, तली हुई चीज़ें ज़्यादा होना, जंक फूड ज़्यादा होना, नॉन वेजिटेरियन रेड मीट ज़्यादा होना, ब्लड प्रेशर अगर आपको है, आपने देखा है कि आज की जीवन शैली इस प्रकार की है कि हर आदमी सुबह से लेकर रात तक भाग रहा है, तो ही इज अंडर सम काइंड ऑफ स्ट्रेस है, हमेशा काम का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, स्ट्रेस से उसको ब्लड प्रेशर होता है। सो बेसिकली ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे लाइफस्टाइल के, हमारे जीवन के, खान पान के जो हमारे बदलाव हुए हैं। हम लोग जो नॉर्मल, आप देखेंगे अगर आप पता करेंगे घर में कितने लोग जो बेसिक जो हमारा ट्रेडिशन खाना होता था कि इसमें रोटी सब्जी दाल चावल होती थी, उसको हट के लोग, कितने लोग, सारे लोग बाकी ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ ईटिंग पे शिफ्ट हो गए हैं, खाते हैं बिकॉज जो भी कारण से। सो दीज आर द बेसिक कारण, ये सारे बेसिक कारण हैं जिस वजह से क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, फिर फैमिली में हिस्ट्री रहती है अगर ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज़ की या हार्ट प्रॉब्लम की, दे कैरी ओवर फॉरवर्ड, वेट गेन होता है, मोटापा होता है, एंड देन दे दिस इज द बेसिक आपका जो कारण होता है, चाहे वो हार्ट की समस्या हो, हार्ट अटैक हो, या आपके ब्रेन के कोई स्ट्रोक हो, मतलब इसमें आप वो चीज़ों को अगर अपन हटा दें जिसमें ब्रेन के कुछ पैदाइशी मैलफॉर्मेशंस होते हैं, जिसमें कुछ एन्यूरिज्म्स होते हैं, किसी को कोई कोई ट्यूमर हो सकता है, उन चीज़ों को हटा दे, बट मेजरली जो है 70-80% 90% कारण जो है इज रिलेटेड टू हमारे खान पान और हमारी जीवन शैली, डाइट एंड लाइफ स्टाइल से जुड़ी है। हम उसको कंट्रोल करेंगे तो ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में रहेगी। ठीक है करिश्मा जी, और कोई सवाल आपका? मैं ये पूछना चाहती हूँ डॉक्टर आपसे कि मैं वर्किंग वूमेन हूँ और जिससे वो आपने मुझे बताया, मैंने बहुत अच्छे सुना, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ क्या कई बार खान पान नहीं हो पाता जो आप बोल रहे हैं उस तरीके से, हम अभी दिनचर्या नहीं कर सकते, उसको लेके आप कोई ऐसा कोई एक्सरसाइज या कुछ आपको लगता है कि ये खाएं तो शायद उससे बचा जा सके? मतलब आपने खाने से संबंधित पूछ रहे हैं? जी जी बिल्कुल, मैं ये चाह रही हूँ कि मैं वर्किंग वूमेन हूँ, आप जैसे हैं कि हर चीज़ उसमें नहीं चलती है कि इसी वक्त खाना खाएं, पूरी नहीं खाएं, सब्जी नहीं खाएं, तो हम ऐसा क्या करें कि इन सब के बावजूद हम अपना दिनचर्या वो कर सकें, कुछ ऐसा खान पान के लिए बताएंगे आप? देखिए खान पान में बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूँ, मैं आई अंडरस्टैंड जो आपने प्रॉब्लम बोली है, एक्चुअली यही प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल सारे घरों में बोथ हस्बैंड वाइफ दे आर मेजरली ऑल ऑफ देम आर वर्किंग, मोस्ट ऑफ द फैमिली में, हाउस होल्ड में आप देखेंगे, तो ये जो नॉर्मल जो रेगुलर खाना होता था जिसमें रोटी सब्जी सलाद दाल चावल होती थी, ये कम हो गई है। एंड ड्यूरिंग द डे टाइम में क्या होता है कि दे टेंड टू ईट आउट, बाहर से कुछ खा लिया, कुछ मंगा लिया है, सुबह खा के चले गए और रात को खा लिया है। तो मतलब एक चीज जरूर देखिए कि आप कभी भी समय निकाल के आधा घंटा और 40-45 मिनट्स कुछ रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करिए, हमेशा उसको रेगुलर कंटिन्यू रखिए। आपका ये ध्यान रखिए कि आपका वजन आपके बीएमआई के हिसाब से 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स जो बोलते हैं हम। और थर्डली एक बार रूटीन आपका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल चेक करा लीजिए, सो दैट यू आर नॉट प्रोन फॉर एनी अंडरलाइंग कोई ऐसी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स ना हो जिसके कारण से हार्ट अटैक हो या स्ट्रोक हो या कोई और प्रॉब्लम हो सकती हो। इन चीज़ों को आप देख ले और उसके बाद जितना हो सके ट्राई करिए कि आप होममेड अपना जो फूड होता है, खाना होता है, उसी के ऊपर स्टिक करें मैक्सिमम। चलिए करिश्मा जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उम्मीद है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। जैसा कि डॉक्टर सुदीप जी हम लगातार बात कर रहे थे, चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोशन यादव जी, बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे को पैरालाइज पड़ा था इससे अभी 2 साल पहले, उसकी वजह से मेरे हाथ पैर काफी सोन रहते हैं जी। ठीक है, नमनेस की समस्या है आपको? हाँ। जी ओके डॉक्टर साहब। नहीं तो मतलब आपका सवाल क्या है? सर पैरालाइज पड़ा था इससे 2 साल पहले। हाँ। और हाथ पैर काफी सोन रहते हैं, वोमिटिंग टाइप की होती है, अभी डायबिटीज भी है। ओके नहीं मतलब आपकी जो समस्याएं हैं, जो नमनेस आप बोल रहे हैं, जो सुनपना है और उल्टी ऐसा रहता है जी, तो देखिए ये नमनेस जो है ये पार्ट दोनों चीज़ हो सकती है, इट कुड बी ए पार्ट ऑफ जो आपको स्ट्रोक हुआ था 2 साल पहले, मतलब उसका एक पार्ट है, उसका हिस्सा रहा होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये न्यू ऑनसेट कोई चीज़ है तो फिर डेफिनेटली आपको इसके लिए पता लगाना पड़ेगा, आपको मे बी इसके खून की जांच कराइए, विटामिंस के चेकअप कराइए, और लगेगा तो आपके ब्रेन का स्कैन सीटी एमआरआई कराइए कि कोई नया स्ट्रोक तो डेवलप्ड होने के कोई चांस तो नहीं है, कोई और अंडरलाइंग कोई समस्या तो नहीं है जिसकी वजह से ये हो रहा है।
नौजिया वॉमिटिंग मतलब हो सकता है कि आप बहुत सारी दवाई खा रहे होंगे, मेरे ख्याल में 5-6 प्रकार की दवाइयाँ दी होंगी डॉक्टर ने, तो उसके कारण भी हो सकती है। बट आपका शुगर लेवल चेक करिए, इट शुड बी नॉर्मल, और उसके बाद भी अगर ये समस्या रहती है तो डेफिनेटली आपको एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा आके। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि लगातार हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे और इस पूरे कॉन्वर्सेशन में जो कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक चीज़ बार बार जो समझ में आ रही है इसके कारणों को जानने के लिए, वो सबसे बड़ा कारण है लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल कितना हावी हो जाता है, जो पिछले 20 सालों में हमने आंकड़ा भी दिखाया कि पिछले 20 सालों में 17% से भी ज़्यादा ऐसे मामले बढ़े हैं। बिल्कुल चलिए इसका जवाब ले लूंगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सचिन गुप्ता जी, बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। मैम, मैं डॉक्टर सुदीप पाठक जी से बात करना चाह रहा हूँ। जी हाँ जी। सर, मेरे फादर को माइग्रेन की प्रॉब्लम है। हाँ जी। माइग्रेन की प्रॉब्लम है और अधिकतर ठंड में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। बिल्कुल। और एक्चुअल क्या है कि वो अस्थमा पेशेंट भी है, तो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि उनकी डाइट कैसी रखी जाए, मतलब डाइट में क्या दिया जाए उनको ठंड में। देखिए, आपने बिल्कुल टू द पॉइंट बात बोली है। माइग्रेन, माइग्रेन मतलब बेसिकली जो हम इस पारे सारे जो स्ट्रोक्स के कारण बोल रहे थे उसको हमने जैसे बताया कि वैसो कंस्ट्रिक्शन। वैसो कंस्ट्रिक्शन मतलब जो हमारी खून की धमनियां हैं, नसें हैं, उसमें सिकुड़न आना। तो माइग्रेन का जो बेसिक कारण है, जो पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं हम, वो हमारे जो ब्रेन की नसें हैं, सर की नसें हैं, उसमें सिकुड़न आ जाती है, और ये सर्द के मौसम में, ठंड के मौसम में ये बढ़ जाती है। तो आपको इस मौसम में ज़्यादा एहतियात बरतना है कि आपके पिताजी जो एक्सट्रीम टेम्परेचर जब कम होता है, जैसे मैंने आपको बताया 11 डिग्री 12 डिग्री से जैसे कम होता है, तो उनको आप एक तो अच्छे गर्म कमरे में रखिएगा, हमेशा एक हीटर चला के रखिए मोस्ट ऑफ द टाइम, टिल द टाइम सुबह धूप नहीं निकल जाए। उनको शॉल, स्वेटर्स पहनाइए, कैप पहना के रखिएगा। और दूसरी चीज़, आपने जो डाइट की बोली है, जैसे मैंने डाइट को बताया है, बहुत सिंपल है। आपको एकदम सिंपल लाइट डाइट, सब्जी सलाद रोटी की रखें, साथ में गर्म सूप रखें, चाहे वो पालक का सूप हो, चाहे टमाटर का सूप हो, या कोई भी वेजिटेबल सूप हो। दिन में 2 बार 3 बार आप गर्म सूप रखिएगा, वेजिटेबल्स रखिए, सलाद रखिए, ये सबसे आइडियल होती है। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल, रेड मीट, इन सब चीज़ों से ये सारी समस्याएं बढ़ती हैं, तो इन सबको अवॉइड करना चाहिए बहुत अच्छे से। यही बेसिक एहतियात रखना चाहिए आपको। चलिए सचिन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ग्वालियर से अमित जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हेलो सर, मैं अमित बोल रहा हूँ। नमस्ते सर, मैं जो बोल रहा था, माइग्रेशन की प्रॉब्लम है मेरे को, तो उसके लिए मेरे को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? मैं अभी अभी हमने जैसे माइग्रेन की ही बात करी थी 1-2 मिनट पहले। माइग्रेन बेसिकली हमारे ब्रेन की नसों में सिकुड़न की वजह से होता है, जिसकी वजह से एक तरफ सर में दर्द होना, नौजिया होना, वॉमिटिंग जैसा लगना, आँखों में दिखने में कुछ समस्या होना, बहुत सीवियर दर्द होता है, ये वैस्कुलर हेडेक होता है ये एक प्रकार का। इसके लिए जो इलाज है तो वो तो आपको मालूम ही होगा, आप लेते होंगे डॉक्टर से इसकी जो स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं। बचाव के लिए ठंड में, बहुत एक्सट्रीम ठंड से आपको बचिए, कैप लगा के रखिए, गर्म रखिए कमरे में, हीटर चला के रखिए, बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर ना होने दे। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस होता है वो बेसिकली माइग्रेन को प्रेसिपिटेट करता है। स्ट्रेस कुछ भी, एनीथिंग, इट कुड बी फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, स्क्रीन, ओवर स्क्रीन यूज़ कर रहे हो, एलईडी स्क्रीन, एलसीडी स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, उसके कारण हो सकता है, अल्कोहल वाइन से हो सकता है। जो चीज़ें आपको मालूम होगी जो कि प्रेसिपिटेट करती है आपके माइग्रेन को, उसको आप अवॉइड करिए। लाइट डाइट रखिएगा, सूप गर्म पीते रहिएगा बीच बीच में, यही चीज़ें आप कर सकते हैं। एंड उसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो उसकी जो स्पेसिफिक दवाइयाँ आपको दी होगी उनको आपको लेना रहेगा उस समय। चलिए अमित जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। और लगातार जैसा कि सुदीप जी हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने आंकड़ों को लेकर के जिक्र किया था कि पिछले 20 सालों में 17% से भी ज़्यादा मामले बढ़ गए हैं। लाइफस्टाइल का लगातार हम जिक्र कर रहे थे, तो लाइफस्टाइल कितना प्रभाव डाल रहा है जो ब्रेन स्ट्रोक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं?
बुरशा, मैं मेरे हिसाब से डाइट और लाइफस्टाइल हमारी सारी समस्याओं का 90% कारण है, ये आपको बता दूंगा। आप आज कोई भी घर में देख लीजिएगा कि कितने लोगों को बाहर का खाना खाते हैं, कितना बाहर रेस्टोरेंट में खाते हैं, कितना जंक फूड खाना होता है, अल्कोहल, स्मोकिंग, रेड मीट्स होते हैं, और उसके साथ में क्या हो गया है कि फिर उनको जो भी उनकी लाइफस्टाइल है उसमें काम तो करना ही है, दिन में 10 से 12 घंटे ऑन एन एवरेज मोस्ट ऑफ द व्यक्ति काम कर रहा है उसमें, तो उसमें फिर ये होता है कि उनको बोले कि आधा घंटा 40 मिनट उन्होंने कुछ अपने लिए रखा है जहां पे उन्होंने कुछ व्यायाम किया है, कोई वर्कआउट किया है, वॉकिंग किया है, वर्चुअली लोगों के पास समय नहीं रहता है, ऐसा होता है। तो ये दो सबसे मेजर चीजें हैं, अगर आज भी हम अपनी डाइट, हमारी बेसिक डाइट पे रहें, स्टिक करें, जो कि वेजिटेबल और सैलड और फ्रूट्स पे डाइट है, रोटी है, दाल चावल है, और आधा घंटा या 40 मिनट्स अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारी, चाहे वो ब्रेन का स्ट्रोक हो जिसके आंकड़े आप बोल रहे हैं बढ़ रहे हैं, चाहे वो हार्ट अटैक की, आपने रिसेंटली देखा होगा न्यूज़पेपर में आया था कि 25% हार्ट अटैक के पेशेंट्स बढ़ गए हैं पिछले एक साल के अंदर, आपने देखे होंगे। तो ये दीज आर ऑल मेजरली रिलेटेड टू लाइफस्टाइल एंड देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स अलोंग विद दैट। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय सोलंकी जी, बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। मैं, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि ठंड में मुझे अधिकतर हेडेक होता है, बहुत ज्यादा हेडेक रहता है, मतलब ठंड में, पर्टिकुलर ठंड में ही रहता है ये, और मेरी एज 33 है, और ठंड में मुझे बस हेडेक की प्रॉब्लम रहती है। तो मैं ये जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब से कि सर मुझे डाइट में क्या लेना चाहिए, और थोड़ी सी मतलब ये सारी चीजें मुझे क्लियर कीजिए थोड़ा। संजय जी, सबसे पहले तो आप ये पता लगाइए कि आपको हेडेक का कोई मेजर कारण तो नहीं है जो कि आपके साथ है, या कोई प्रॉब्लम आपके चल रही है। सबसे पहले आपका एक बेसिक ब्लड प्रेशर चेक कराइए, एक आपकी बेसिक आंखों की जांच कराइए, है ना, और एक बेसिक कोलेस्ट्रॉल और शुगर चेक कराइएगा। अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं तो बेसिक, हमने जैसे अभी तक बात कर रहे हैं कि अपने आप को आप अच्छे से वार्म रखिए, अच्छे गर्म कपड़े पहन के रखिए, कैप लगा के रखिए जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड होती है, जैसे पर्टिकुलरली लेट नाइट में या अर्ली मॉर्निंग में, उससे आप रखिएगा। डाइट के बारे में हमने अभी जैसे कितनी देर से बात कर रहे हैं, बेसिकली वेजिटेबल, सलाद एंड सूप, इसी पे आप स्टिक करिए, लाइट डाइट रखिए, बहुत हैवी डाइट ना ले, स्मोकिंग नहीं करें, टोबैको नहीं लेंगे, रेड मीट ना ले, इन सब को अवॉइड करिए। रेगुलर आधा घंटा पौन घंटा कुछ फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, वॉकिंग हुआ, साइकिलिंग हुआ, इस प्रकार की कोई ना कोई चीज़ें आप जरूर करिए। ये दीज आर द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। बट अगर आपको हेडेक बना है, सबसे पहले आप बेसिक एक डॉक्टर से बेसिक ये दो तीन चीज़ दिखा के जरूर चेक कराएं। जी, तो उम्मीद है कि हमारे जितने भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें उनके सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे, और क्योंकि समय भी अब हो गया है, डॉक्टर सुदीप जी बिल्कुल लास्ट हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि सर्दी के समय में ऐसी हमारे दर्शकों को आप कौन सी टिप्स देना चाहेंगे जिससे इन तमाम समस्याओं से, इतनी सारी जो बीमारियां ठंड में बढ़ जाती हैं, उनसे बचा जा सकता है। मैं लास्ट में एक बार फिर से वही समराइज करूंगा कि सर्द के मौसम में लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जिसको अंडरलाइंग ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, ये व्यक्ति लोग ज़्यादा प्रोन रहते हैं, बुजुर्ग लोग ज़्यादा प्रोन रहते हैं, जिन लोगों को पहले से कुछ हार्ट की या कोई किडनी या लिवर की समस्या है, ये लोग ज़्यादा प्रोन रहते हैं। इनको हमेशा वार्म रहे, कमरे में हीटर लगा के रखें इनको, जब तक सुबह धूप अच्छे से नहीं आ जाए, अगर टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म हो जाए तब निकले, हमेशा गर्म कपड़े पहने, कैप लगा के रखिएगा। डाइट में हमेशा लाइट डाइट रखें आप, वेजिटेबल, सलाद, जो भी फ्रेश वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रेश फ्रूट्स आते हैं, सलाद आते हैं, वो लीजिए। गरम सूप ज़्यादा लीजिए, इस समय में ज़्यादा आपको हेल्प करता है। कोई भी सूप ले सकते हैं आप, टमाटर सूप, पालक का सूप, जो भी वेजिटेबल सूप होते हैं वो ज़्यादा ले, और थोड़ा सा हल्के सी धूप में आधा घंटा भी अगर आप रेगुलर कुछ फिजिकल कार्डियो एक्सरसाइज करें तो देर विल बी नथिंग लाइक इट। होपफुली 90% ऑफ द लोगों की प्रॉब्लम कंटेन रहेगी, अपने नियंत्रण में रहेगी। चलिए, अब तक कीमती समय डॉक्टर साहब हमें देने के लिए और हमारे दर्शकों के जो तमाम सवाल थे उनके जवाब देने के लिए भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश
ठंड में ब्रेन स्ट्रोक से किस तरीके से बचे, ये आज हमने समझा इस पेशकश में। और इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में तय कुछ और खबरों के लिए, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।